दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ओप्पो का नया मोबाइल ओप्पो A77S। और भाई साहब आप मोबाइल को देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है और 8 GB रैम और 128 GB है इसकी। अगर आप ये मोबाइल ख़रीदना चाहते हो या फिर आप ख़रीद चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए एकदम सही होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको काफ़ी सारे हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ जिनको जानकर आपका जो मोबाइल का चलाने का तरीका है काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपने इस मोबाइल को ख़रीदा है या ख़रीदने की सोच रहे हो तो इन सभी को अच्छी तरह से समझने के लिए आपका ज़रूरी है कि वीडियो को एंड तक ध्यान से देखते रहिए, तभी आपके अच्छे तरह से समझ में आने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको बताते हैं सबसे पहला हिडन फीचर्स। तो सबसे पहले हिडन फीचर के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाना है और ये देख पा रहे होंगे पर्सनलाइजेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। और जब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे नॉर्मल वॉलपेपर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, यहाँ पे अपनी फोटो या कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हो, पर यहाँ पर थीम्स का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपको अलग अलग थीम चाहिए अलग अपने मोबाइल को यहाँ पे करना है तो यहाँ पे अगर आपके पास इंटरनेट है तो ओपन थीम स्टोर के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी थीम्स मिल जाएगी जिनको आप डाउनलोड करके यहाँ पे काफ़ी अच्छा अपने मोबाइल को बना सकते हो। जो भी थीम आपको अच्छी लगे उसको अप्लाई कर लेना, पर जो मैं बताने वाला हूँ वो क्या है एक बार बैक लेके चलता हूँ। और यहाँ पर देखिए आइकन्स का ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे जितने भी आपके आइकन्स हैं यहाँ पे जैसे फेसबुक वगैरह के, इंस्टाग्राम वगैरह के, तो आप इनको बड़ा छोटा कर सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पे फेसबुक के ऊपर आप ध्यान रखिए, देखिए ये देखिए बड़ा हो चुका है, छोटा करना चाहो तो ये देखिए छोटा हो चुका है, तो आप ये अपनी मर्ज़ी से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। और जो नेम है ना यहाँ पे जैसे फेसबुक फ़ोटोज़ वगैरह, इसको भी आप बड़ा छोटा कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ नेम को, ये देखिए इतना बड़ा हो चुका है, छोटा करना चाहते हो आप तो ये छोटा कर लीजिए, देखिए छोटा हो चुका है। पर आप चाहते हो मुझे तो यहाँ पे शो ही नहीं करना, मुझे तो बस इनकी शक्ल देख के पहचानना है, तो यहाँ पे इसको बंद ही कर दीजिए, देखिए बंद हो चुका है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शक्ल देख के इनको यहाँ पे पहचानना पड़ेगा और वापस नाम दिखाने हैं तो यहाँ पे शो नेम्स पे ओके कर लेना है। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जैसे कि आपको ये अलग इनका शेप ही चेंज करना है, जैसे मटेरियल के अंदर जाइए, देखिए फोटोज़ का पूरा शेप चेंज हो चुका है, पेबल के अंदर जाओगे तो कुछ इस तरह से हो चुके हैं, मतलब पूरे अलग हो चुके हैं। और यहाँ पे कस्टम के ऊपर जाना है और यहाँ पर देखोगे जैसे कि ये देखिए पूरा यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये देखिए कुछ इस तरह से करना चाहते हो, कुछ इस तरह से करना चाहते हो, तो अपनी मर्ज़ी से इन सभी को कस्टमाइज़ कर सकते हो। देखिए तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है, जो भी आपका फेवरेट है उसको यहाँ पे कर लेना है और यहाँ पे इजीली अप्लाई कर लेना है। और बैक जाओगे तो यहाँ पे क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि आपके जैसे कि वाईफाई वगैरह है, ठीक है ना, अभी जितने भी वाईफाई, ये अभी राउंडेड शेप के अंदर है, आप चाहते हो उनका भी मुझे शेप चेंज करना है तो ये देखिए कुछ इस तरह से कर लीजिए, ये देखिए सारे इस तरह से हो चुके, देखिए तो जैसा भी आपको अच्छा लगता है आपका फेवरेट है वो आपको कर लेना है। और अगर बैक जाओगे आप तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे बैक आओगे कलर्स का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों आपको। कलर्स के अंदर क्या है, जैसे कि यहाँ पर मैं वाईफाई को ऑन करता हूँ, ठीक है, तो ये ग्रीन कलर के अंदर शो होता है। आप चाहते हो मुझे ग्रीन कलर के अंदर नहीं चाहिए, मुझे तो मतलब मेरी पसंद का कलर चाहिए, जैसे कि मैं रेड कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जैसे कि रेड कर लिया और यहाँ पर सेव कर देता हूँ, अभी देखिए ऊपर रेड हो चुका है आप देख सकते हो। तो आपका जो फेवरेट कलर है, आपको जो कलर अच्छा लगता है उसको कर लेना है, डिफ़ॉल्ट रखना है तो वापस डिफ़ॉल्ट कर लीजिए, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर आपको मिल जाता है। और अगर बैक जाओगे तो यहाँ पे फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज़ का ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पर क्या है, जो भी आपके लिखा हुआ रहता है फॉन्ट जिसको हम कहते हैं वो यहाँ पर बड़ी कर सकते हो, देखिए बड़ी छोटी अपनी मर्जी से कर सकते हो। जो डिस्प्ले है ना उसकी भी आप साइज़ बड़ी छोटी कर सकते हो, ये देखिए जैसे व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे हो तो जो डिस्प्ले है वो बड़ी या छोटी कर सकते हो, देखिए छोटी कर सकते हो, छोटी करना चाहो आपकी मर्जी है, जैसा रखना चाहो वैसा रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखा होगा काफ़ी लोग ऐसे डबल टैप करते हैं तो उनकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है और डबल टैप करते हैं उनकी स्क्रीन ऑन हो जाती है, तो ये सब आपके मोबाइल के अंदर कैसे होगा, आपको सिंपली ऐसे स्क्रीन के ऊपर टैप करके रखना है, ठीक है, और फिर यहाँ पर मोर का ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना, ठीक है। मोर के ऊपर जाने के बाद जैसे कि डबल टैप टू लॉक स्क्रॉन कर लेना है और नीचे ये रेस्ट वेक इसका क्या मतलब है वो मैं समझाऊंगा, इसको भी ऑन करने लगा है और डबल टैप टू वेक स्क्रीन, ठीक है ना, इनको हमने ऑन कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा ये सब, ये देखिए डबल टैप की स्क्रीन ऑफ हो चुकी है, डबल टैप करोगे स्क्रीन ऑन हो चुकी है, देखिए काफ़ी आसान सा हो जाता है, पावर बटन वगैरह को यहाँ पे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और जो मैंने एक और ऑन कराया था रेस्ट टू वेक, उसका क्या मतलब है, जैसे कि आपने बंद करके मोबाइल को नीचे रख दिया है, ठीक है, मोबाइल नीचे पड़ा है, अब आप जैसे ही मोबाइल को उठाओगे देखिए कुछ प्रेस नहीं करना, बस उठाना है मोबाइल को और आपकी स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ना डबल टैप करना है, ना पावर बटन दबाना है, ना फिंगर दबाना है, बस मोबाइल को सिर्फ उठाना है और आपकी जो स्क्रीन है ऑन हो जाएगी। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल आपके लिए हो सकता है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने मोबाइल के अंदर कुछ भी फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह हाइड करना चाहते हो या किसी ऐप के लॉक लगाना चाहते हो या फिर किसी ऐप को ही आपको हाइड करना है तो ये सब कुछ कैसे कर सकते हो आप अपने मोबाइल के अंदर। सिंपली इसके लिए आपको जाना है सेटिंग के अंदर, वो नीचे जाओगे देखिए प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है
और यहाँ पे ऐप लॉक, यहाँ पर आप इसको ऑन करने से किसी भी ऐप के लॉक लगा पाओगे। देखिए सेटिंग्स के अंदर जाना है, यहाँ पे जो लॉक आपको याद रह सके वो लॉक लगा लेना है और फिर आप किसी भी ऐप के लॉक लगा पाओगे। और यहाँ पर बैक जाओगे तो हाइड ऐप्स, यहाँ पर आप किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हो, जैसे कि अमेज़ोन है, इनको ऐसे ऐसे करोगे तो हाइड हो जाएगा। यहाँ पर सेटिंग के अंदर जाना है, वही पासवर्ड वगैरह लगाने हैं और यहाँ पर किसी भी ऐप को आप हाइड कर सकते हो। और हिडन ऐप्स देखने हैं आपको, जैसे कि आपने जो भी ऐप्स है यहाँ पे हाइड किए हैं वो हिडन ऐप्स के अंदर शो हो जाएंगे, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। और बैक जाओगे प्राइवेट ऐप, यहाँ पर है वही पासवर्ड लगा लेने हैं और कोई भी फोटोज़ वीडियोज़ आपकी जितनी भी प्राइवेट है वो यहाँ पे सेव कर सकते हो। आपको कोई भी बाहर से दूसरा ऐप लॉक वगैरह डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर अपने मोबाइल के अंदर कर सकते हो। पर पासवर्ड थोड़े से हैवी लगा लेना ताकि कोई भी ऐसे आसानी से खोल ना सके। तो कुछ इस तरह से आप अपने मोबाइल के अंदर फोटोज़ वीडियोज़ ऐप्स वगैरह सब कुछ हाइड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता होगा आपका जो मोबाइल है ओप्पो A77s, इसके अंदर आपको 90Hz रिफ्रेश रेट मिलती है। और ये रिफ्रेश रेट का क्या मतलब है, 60Hz 90Hz का क्या मतलब है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है दोस्तों। और इसको आप कम ज्यादा कैसे कर सकते हो, उसके लिए आपको सिंपली सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर जाना, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ, जैसे कि आप नाइट में मोबाइल को ज्यादा यूज करते हो तो ये देखिए डार्क मोड, इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे डार्क मोड को ऑन कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी आँखें भी ख़राब नहीं होगी, बैटरी भी ड्रेन कम होगी और यहाँ पे काफ़ी अच्छा भी लगता है पूरा यहाँ पे ब्लैक ब्लैक मोबाइल। और यहाँ पे ऑटो स्विच भी कर सकते हो, यानी कि जब भी रात होगी तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिक डार्क मोड हो जाएगा और दिन होते ही आपका मोबाइल जो है लाइट मोड हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए ऑटो ब्राइटनेस, इसका क्या मतलब है, जैसे कि आप इसको ऑन करते हो तो आपकी जो ब्राइटनेस है ऑटोमेटिक कम ज़्यादा हो जाएगी। तो आप इसको कर सकते हो अगर ऑटोमेटिक रखना है, पर ऑटोमेटिक से थोड़ा सा नुकसान है, अगर मतलब आपकी जो बैटरी है ना आपको लगता है ड्रेन ज़्यादा होती है तो इसको ऑफ ही रखना अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे थोड़ी बैटरी ड्रेन ज़्यादा होती है। और यहाँ पे नीचे जाओगे तो स्क्रीन के कलर्स मिल जाएंगे, यानी कि आपको जो भी कलर रखना है, देखिए वार्मर रखना है, कूलर रखना है, डिफ़ॉल्ट रखना है, नेचुरल रखना है, जो भी कलर रखना चाहते हो अपनी स्क्रीन का आपके आंखों के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आई कंफर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप ज़्यादा चैटिंग वगैरह करते हो या फिर आप यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ते हो अपने मोबाइल के अंदर, या फिर आप मतलब ज़्यादा नाइट में यूज़ करते हो मोबाइल को, तो यहाँ पे आई कंफर्ट को यूज़ कर यहाँ पे ऑन कर लेना, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपकी आंखें ख़राब नहीं होंगी, तो ज़रूर ऑन करिए अगर आप ज़्यादा मोबाइल का हैवी यूज़ करते हो तो इसको ऑन कर लेना है। और अगर बैक जाओगे तो यहाँ पर मिल जाएगा स्क्रीन रिफ्रेश रेट्स, ये देखिए इसके ऊपर आपको जाना है और यहाँ पर देख सकते हो दोनों के अंदर डिफरेंस यहाँ पे बता रहा है, स्टैंडर्ड एंड हाई। हाई बोलते हैं यहाँ पे 90 और यहाँ पे 60 है जो आपका स्टैंडर्ड है। तो आप इन दोनों के अंदर डिफरेंस देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको 90Hz पे कर रखा है मैंने, तो आप जब ज़रूरी काम कर रहे होते हो तब आपको 90Hz पे कर लेना। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलेगा, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चलेगा। और अगर आपको मतलब नॉर्मल यूज़ करना है तो 60Hz पे रख लीजिए। तो आप सोच रहे होंगे यार मैं 90Hz पे रखूँगा एनी टाइम, तो उसका नुकसान ये है दोस्तों कि आप 90Hz पे रखते हो तो आपकी बैटरी थोड़ी ड्रेन ज़्यादा होगी, इसलिए आपको यहाँ पे जब गेमिंग वगैरह करते हो तब 90Hz पे रखना है, वरना 60Hz पे रख लीजिए, आपके लिए यूज़फुल होगा। और अगर आपको बैटरी की कोई परवाह नहीं है, आप चाहते हो मैं चार्ज कर लूँगा बार बार, तो आप यहाँ पे 90Hz पर भी रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप ऐसे करते हो, ठीक है ना, पहली बार ऐसे करोगे कुछ इस तरह आएगा। और यहाँ पे जैसे कि कोई भी ऐप सर्च कर सकते हो, जिस भी ऐप को आप सर्च करना चाहते हो वो ऐप सर्च कर सकते हो। पर आप चाहते हो कि मैं यहाँ से ऐसे करूँ तो यहाँ पे नोटिफिकेशन बार आना चाहिए, मतलब कि आप जैसे ऊपर से करते हो तब नोटिफिकेशन बार आता है, पर आप यहाँ से करोगे तो भी नोटिफिकेशन बार कैसे आ जाएगा, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर से टैप करके रखना है और साइड में जाना है, ये देखिए मोर का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। मोर के ऊपर जब भी जाओगे तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये देखिए स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, इसके ऊपर जाना है, नोटिफिकेशन ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से करोगे आप, ये देखिए नोटिफिकेशन बार आ चुका है, कहीं से भी कर लीजिए आप, ये देखिए कहीं से भी करोगे नोटिफिकेशन बार आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको लगता है यार यहाँ से ऊपर से नहीं, मुझे नीचे से करना है, तो कुछ इस तरह से रख सकते हो। सर्च वाला रखना चाहते हो तो सर्च वाला भी रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप चाहते हो कि मुझे ऊपर बैटरी की परसेंटेज शो होनी चाहिए, इंटरनेट की स्पीड शो होनी चाहिए कि कितने एमबी पर सेकेंड आपका जो इंटरनेट है वो चल रहा है, या फिर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे कि आपके ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन आया हुआ रहता है और आप उसको यहाँ से क्लियर कर देते हो तो वो क्लियर तो हो जाता है, पर आप चाहते हो कि मैं एक महीने के बाद भी उसकी डिटेल देखकर मतलब जानना चाहूँ कि वो कब नोटिफिकेशन आया था, किसका मैसेज आया था, व्हाट्सअप फेसबुक या किसी ने फ़ोनपे वगैरह किया हो, तो आपके पास पूरी एक महीने की हिस्ट्री रहेगी। उसको एक बार ऑन करना रहता है, तो उसको ऑन करने के लिए आपको क्या करना होता है, सिंपली जाना है सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का ऑप्शन मिल जाता है। अब सबसे पहले मैं स्टेटस बार के बारे में अंदर चलते हैं और ये देखिए बैटरी का यहाँ पे जो बैटरी का स्टाइल है
आप उसको भी चेंज कर सकते हो, जैसे अभी कुछ इस तरह से है तो मैं यहाँ पे वर्टिकल कर देता हूँ। ये देखिए ये वर्टिकल हो चुकी है, आप देख सकते हो। लूप में करोगे नीचे लूप का ऑप्शन मिलता है, तो ये देखिए लूप के अंदर हो चुकी है, काफ़ी अच्छी लगती है। तो जो भी आपको बैटरी का यहाँ पे अच्छा लगता है वो कर सकते हो। डू नॉट शो मतलब बैटरी को शो ही नहीं करना चाहते तो यहाँ पे हाइड भी कर सकते हो, देखिए ऊपर बैटरी शो नहीं होगी। तो अपनी मर्जी से इन सभी को कर सकते हो। और जो बैटरी के परसेंटेज है वो भी आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि बैटरी के मतलब बाहर रखने हैं, ये देखिए बाहर, अंदर रखने हैं तो बैटरी के अंदर रख सकते हो। तो ये सब अपनी मर्जी से आप रख सकते हो, आपको बाहर बैटरी के अंदर बाहर जहाँ भी रखना है वो डू नॉट शो करना है, मतलब दिखने नहीं बैटरी के परसेंटेज, तो कुछ इस तरह से कर सकते हो। और आप चाहते हो मुझे नेटवर्क, ये देखिए रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, आपका इंटरनेट जब भी चलेगा तो ऊपर यहाँ पर शो होती रहेगी कितनी एमबी पर सेकेंड आपका इंटरनेट चल रहा है, तो इसको भी आप ज़रूर ट्राई कर लेना एक बार, ये भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो चलिए अब आपको बैक जाना है, और बैक जाने के बाद ये देखिए मोर सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर जाना है और नोटिफिकेशन हिस्ट्री इसको ऑन कर लेना है। अब इससे क्या होगा, आप यहाँ से कुछ भी क्लियर करते हो, ठीक है ना, अभी तो कोई नोटिफिकेशन आया हुआ नहीं है। अगर आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आया हुआ रहता है और आप यहाँ से क्लियर कर देते हो तो वो क्लियर तो हो जाएगा, पर यहाँ पर आपकी पूरी हिस्ट्री मौजूद रहेगी। आप कभी भी यहाँ पर आकर देख सकते हो कि आपके पास किसका नोटिफिकेशन आया था, कब आया था, कितने नोटिफिकेशन आए थे, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी अगर आप एक महीने के बाद भी यहाँ पर आकर देखोगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए हो सकता है फ्यूचर के अंदर। तो दोस्तों अगर ये अच्छा लगा ना तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि आपका कोई दोस्त आपसे मोबाइल मांगता है कि भाई यार मुझे सिर्फ कॉल करनी है, या फिर आपके बच्चे को आप यूट्यूब वगैरह देखने के लिए देते हो पर आपको शक है कि कोई और चीज़ें ना छेड़ ले, कोई गलत काम ना कर दे, या फिर हमारी कोई प्राइवेसी ना देख ले, तो इसके लिए मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। इसके लिए सिंपली आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है, और यहाँ पर जाओगे तो ये देखिए पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लॉक स्क्रीन लगा सकते हो, फेस लॉक लगा सकते हो, फिंगरप्रिंट लगा सकते हो, यहाँ पर ये नॉर्मल सी चीज़ें आप लगा सकते हो, पर जो मैं बताने वाला हूँ वो है यहाँ पे सिस्टम सिक्योरिटी के अंदर। यहाँ पर जाना है, सबसे नीचे जाना है और स्क्रीन पिनिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इसको ऑन कर लेना है। अब इसको ऑन करने से क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कॉल के लिए कोई मांगता है आपके, तो यहाँ पे कॉल के अंदर जाना है और यहाँ पे जो रिसेंट एप्स वाला है इसके ऊपर जाना है, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको पिन कर लेना है, ठीक है, ये पिन हो चुका है। अब क्या होगा ना दोस्तों, आप बैक वगैरह नहीं जा सकते, देखिए किसी भी बटन को प्रेस कर लीजिए, आप बैक नहीं जा सकते, और इसको जितना चलाना है वो चला सकते हो पर बैक वगैरह नहीं जा सकते। पर अगर आपको बैक जाना है तो कैसे जाओगे, जैसे कि बैक बटन और जो रिसेंट एप्स वाला बटन है इन दोनों को ऐसे साथ में प्रेस करके रखना है और ये ऐप जो है अनपिन हो चुका है, अब आप बाहर जा सकते हो। पर आप सोच रहे होंगे ऐसे तो कोई समझदार होगा वो खुद चला जाएगा, तो दोस्तों अगर आपने मोबाइल के लॉक लगा रखा है ना, तो जब तक आप लॉक को नहीं खोलोगे तब तक वो बैग नहीं जा पाएगा। और लॉक नहीं लगा रखा है तो यहाँ से आप लॉक लगा भी सकते हो, देखिए यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगता है वो लॉक लगा सकते हो, और जब तक आप इस लॉक को नहीं खोलोगे तब तक वो ऐप अनपिन नहीं होगा। तो वो लॉक आपसे खुलाएगा तो आपको पता तो चल ही जाएगा कि हाँ कोई दूसरी चीज़ ये छेड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप चाहते हो मुझे एक साथ में दो ऐप्स को यूज़ करना है, जैसे कि आप चाहते हो कि मुझे व्हाट्सअप भी चलाना है साथ में और साथ में यूट्यूब पर वीडियोज़ भी देखनी है, तो यानी कि आप एक साथ में दो ऐप चलाना चाहते हो तो कैसे चला सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल के लिए यूट्यूब ओपन करता हूँ, ठीक है। अब यूट्यूब ओपन किया, आपको थ्री फिंगर से इसे लेके जाना है, और जैसे कि मैं फोटोज़ ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैंने फोटोज़ ओपन कर लिया, तो यहाँ पे आप फोटोज़ को भी साथ में चला सकते हो, देखिए फोटोज़ देख सकते हो, यूट्यूब पर वीडियो चलती रहेगी, तो आप यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हो, यूट्यूब को बड़ा कर लीजिए और ये फोटो छोटा हो चुका है, देखिए यहाँ पे फोटोज़ को बड़ा कर लेता हूँ, यूट्यूब छोटा हो चुका है, और यहाँ पे पूरा यूट्यूब को ही रखना है आपको, तो यहाँ पे ऐसे करना है पूरा यूट्यूब आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप दो ऐप्स को एक साथ में चला पाओगे, तो ये भी काफ़ी यूज़फुल आपके लिए हो सकता है। तो यार इसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता होगा आपका यार मोबाइल काफ़ी अच्छा है, आपको पता होगा, पर आप चाहते हो कि नीचे के बटन्स वगैरह इतने अच्छे नहीं लगते मोबाइल के अंदर, तो आपको बटन्स ही हाइड करने हैं पूरे और एकदम पूरा आईफोन की तरह बनाना है अपने मोबाइल को। तो इसके लिए आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स के अंदर और नीचे जाओगे तो यहाँ पे सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ये देखिए इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, सिस्टम नेविगेशन के ऊपर जाना है और यहाँ पे गेस्चर्स कर लेना है, यहाँ पे लर्न का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे मतलब आप सोच रहे होंगे बटन हाइड हो जाएंगे तो हम बैग वगैरह कैसे जाएंगे, तो यहाँ पे सीख सकते हो, नहीं तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पे हाइड हो चुके बटन्स देख सकते हो, तो अगर आपको बैग वगैरह जाना है तो सिंपली ऐसे करना है, बैग चले जाओगे, इधर से करोगे तो भी बैग चले जाओगे, और यहाँ पे ऐसे करोगे तो यहाँ पे होम स्क्रीन पे आ जाओगे, और रिसेंट्स एप्स वगैरह देखने हैं तो ऐसे करके रखना है, रिसेंट्स एप्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे रिसेंट्स एप्स आ जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप बैग वगैरह जा पाओगे, ये देखिए। और अगर आपको फिर से बटन्स करने हैं तो बटन्स कर सकते हो, और यहाँ पर अगर आप लेफ्ट हैंडी हो यानी कि जो बैग बटन वगैरह लेफ्ट हैंड के अंदर करना चाहते हो तो यहाँ पर स्पे कर दीजिए,
ये देख सकते हो लेफ्ट हैंड के अंदर हो चुके हैं। तो अपनी मर्जी से इन चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हो, लेफ्ट राइट या आपको बटन से हाइड करने वो सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको कुछ स्क्रीन शॉट से रिलेटेड बता देता हूँ, जैसे कि आप पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन से आपको पता होगा स्क्रीन शॉट ले सकते हो, पर मैं आपको बताता हूँ जैसे कि एक दो तरीके और, जैसे कि आप थ्री फिंगर्स ऐसे करते हो तो भी स्क्रीन शॉट ले पाओगे और स्क्रॉल का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप एक लंबा स्क्रीन शॉट ले पाओगे, जितना भी लंबा आपको स्क्रीन शॉट लेना है। जैसे कि दिखाता हूँ मैं, एक फोटो के अंदर मैंने इतना लंबा स्क्रीनशॉट ले लिया है, देख सकते हो एक ही फोटो के अंदर इतना लंबा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और दूसरा तरीका मैं बताऊं तो यहाँ पे थ्री फिंगर्स ऐसे प्रेस करके रखना है और ये देखिए आप अपनी मर्जी से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जितना भी स्क्रीनशॉट लेना है। ये देखिए मैंने इतना स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे जितना भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो, देखिए। तो अपनी मर्जी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे स्क्रीनशॉट के अंदर। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे कभी भी पेन ड्राइव वगैरह लगाते हो या फिर आप अपने मोबाइल को हार्ड रिसेट करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। सेटिंग्स के अंदर जाना है और वापस सिस्टम सेटिंग्स के अंदर ही जाना है और यहाँ पर जैसे देखोगे आप यहाँ पे OTG कनेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। आप जब भी पेन ड्राइव लगाते हो तो आपके मोबाइल के अंदर वर्क नहीं करती है तो आपको लगता है यार हमारे मतलब पेन ड्राइव वर्क नहीं करती हमारे मोबाइल के अंदर, तो इसको ऑन करना रहता है। और इसको ऑन करके आप माउस भी लगा सकते हो, यानी कि आप माउस लगा के यहाँ पर और अपने मोबाइल को माउस से भी कंट्रोल कर सकते हो, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। पर इसको एक बार ऑन करना रहेगा और 10 मिनट के अंदर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पे जब भी आप लगाओ तो इसको ऑन कर लेना है। और अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हो अपने मोबाइल को तो यहाँ पे देखिए बैकअप एंड हार्ड रिसेट, और रिसेट फ़ोन के ऊपर जाना है, इरेज ऑल डाटा पे जाना है। इरेज ऑल डाटा पे करोगे तो आपका जो मोबाइल है फॉर्मेट हो जाएगा, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, जितने भी फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह है पूरा हार्ड रिसेट हो जाएगा। पर उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आपको यहाँ पर अगर आपकी जीमेल आईडी याद नहीं है तो पहले वो जीमेल आईडी हटानी है अपने मोबाइल से, फिर फॉर्मेट करना है। और अगर आपको आपकी जीमेल आईडी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से इरेज ऑल डाटा पे करके अपने मोबाइल को फॉर्मेट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप ऐसे रिसेंट सेप्स पे करते हो तो यहाँ पे देखिए सेटिंग्स वगैरह के अंदर या अपने जो फोटोज़ हैं इनके अंदर साफ साफ फोटोज़ दिख रहे हैं, पर आप चाहते हो यार ऐसे गलती से कभी ये कोई देख ले तो ऐसे फोटो दिखनी नीचे अंदर से, तो ऐसे थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और हाइड कॉन्टेंट कर देना है। ये देखिए अब यहाँ पे फोटोज़ के अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा, तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हो अपनी मर्जी से, मतलब आप जिसको भी यहाँ पे करना चाहते हो कि उसके अंदर कुछ भी ना दिखे जो हम पर्सनल चीज़ें देखते हैं, तो वहाँ पे हाइड कंटेंट कर सकते हो और फिर से दिखाना है तो शो कंटेंट पे कर दीजिए, फिर से दिखने लग जाएगा। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल आपके लिए हो सकता है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ बताता हूँ जो आपके फ्यूचर के अंदर काफ़ी अच्छी तरह से काम आ सकती है, और वो ये आखिरी का फीचर है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा इस फीचर को बताकर। अगर आपको और भी इसके हिडन फीचर जानने हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं और भी काफ़ी सारे हिडन फीचर्स इसके बता दूंगा, क्योंकि अभी तो इसके अंदर बहुत सारे हिडन फीचर्स मिलते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है सिंपली सेटिंग्स के अंदर और ये देखिए डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंशियल कंट्रोल, यहाँ पे शो योर डाटा के ऊपर जाना है। और यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे 25 मिनट के लिए मैंने आज मोबाइल को यूज़ किया, ठीक है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर 25 मिनट के लिए मोबाइल को यूज़ किया है और 24 बार अनलॉक किया है, मतलब जब भी आप मोबाइल को अनलॉक करते हैं खोलते हैं लोग तो 24 बार अनलॉक किया है। नोटिफिकेशन अभी नया मोबाइल है तो एक भी नहीं आया है, पर जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर यह भी बताएगा कि आपने क्या क्या यूज़ किया है, जैसे कि मैंने सेटिंग्स यूज़ किया है, कैमरा यूज़ किया है, और यहाँ पर पूरी एक दिन की नहीं पूरी एक महीने की डिटेल्स आपको मिल जाती है कि आपने पूरे एक महीने में इस मोबाइल को कितने घंटे तक यूज़ किया। तो आपको ध्यान में होना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो कीमती समय है आप कहाँ पर बिता रहे हो। तो दोस्तों आपको इन हिडन फीचर्स में से सबसे अच्छा कौन सा लगा आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है ना आपको तो यार लाइक कर देना, और अगर आपने वीडियो पूरी एंड तक देखी है तो मैं आपका दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और दोस्तों अगर चैनल पर आज पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ हमारे चैनल पर हर दिन लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।